बड़ी सुंदर गीत संगीत कथा प्रसंग सुननी सब है। हबर हबर गबर गबर कहानी गावत है। ओले अर्जुन गईले मरले चिता पजर के घरे चल गए। अरे तू लइका ना रहल ना लइका बड़ा लगे तोरा जीत में नींद कोहतर के नछनिया बाप रे बाप जो सूत न जाए जकर ढोड़ी में अंगुरी ना कर दी तो नछनिया के सर हाय साफ खत्म बाला कतरा सुंदर प्रसंग के बिना बिगाड़ के बीत गेलो न खेले देले न खेले खेलेवे बिगाड़ देलो छठा फाटक पखिर अभिमन्यु गइले तका भाई भाई कर रहे क्या छठे फाटक पर कपड़ा गई जाके बड़ी बढ़िया बात भाई ये पान चलो उसके सारा रच्चे का फंस गए ऊपर दूसरा बात चलिए ने अर्जुन जब अपना बेटा अभिमन्यु के जब देख ले चंद्र लोक में अभिमन्यु कहले कि तहार एक बार हम बेटा भाई इतना तू क्रोध के ले बड़ा इतना तू रो रहा बड़ा भैया जी हम तू हमारे कई बार बेटा भाई बड़ा अर्जुन प्राण कर ले जब मोग भैल की भैया भगवान जब सूरज डूबे के पहले हम जयद्रथ के मारना दें तो चिता में जल के राख हो जाए। बुढ़ा जी बात के ध्यान दी है इन्हें जयद्रथ के छिपावे ला कमल बिहू के रचना द्रोणाचार्य कहिले आ संकट बिहू में जयद्रथ के छिपावल गई रहे आने द्रोणाचार्य भी शपथ ले ले या डबल शपथ बात ले देख ले बुढ़ा इन्हें अर्जुन भी शपथ फैले बड़े के सूर जुबे को पहला लड़ाई के मारना दो तो सीधा में जल के राख हो जाए। इन्हें द्रोणाचार्य कमल भी हुके रचना का के पहला गेट पे खड़ा हो गए क्या जी अर्जुन अर्जुन सब अर्जुन अगर आ गए हैं तो पहला गेट से हम अंदर पार ना होके दे आखिर अर्जुन बिहू में प्रवेश कैसे कई कैसे आखिर द्रोणाचार्य भी शपथ ले लिए कि अगर स्वयं अर्जुन नहीं है तो कमर बिहू में प्रवेश ना कर दे इन्हें अर्जुन भी शपथ ले ले बाले कि सूर्य डूबे के पहले मुदय के मारना दे तो चिता में जल के राख हो जाए। आखिर अर्जुन बिहू के अंदर प्रवेश कैसे किया बात यहां है अर्जुन तो हबर हबराई ले अर्जुन गई ले दुपहर हो गई ले मार दे ले मुड़ी काट ले हो गई कौन बात कहो हम महाभारत के अंदर देखब कि 18 दिन की लड़ाई 18 छौनी सेना 18 को पर्व में महाभारत में आखिर तीन गो 18 दिन के का कइलस 18 दिन के लड़ाई 18 छौनी सेना 18 को पर्व महाभारत अर्जुन अब इन सेनापति के भाव द्रोणाचार्य के जो हाथ में रहल हो युद्ध जारी रहल हो जयद्रथ पद हो गई बा इन द्रोणाचार्य अपन लेके अपन धनुष बाण हल्का मचावे लगली हो इन अर्जुन कहत भगवान आज हमार राज द्रोणाचार्य के समीप लेके चली तो साफ साफ तो नहीं गाव बुढ़ा गाव तब तो बुझाते कि टरक से खलिया डराम भी जाता भगवान तनिया गवा हो गोदी तनिया गवा गोदी अब रथा भाग के जलती नंदलाल अतन रथा भाग के जलती नंदलाल केनिया बाड़ गुरु दोर
आगा जब रथ भगवान बढ़ा देनी जहां से साफ साफ सेनापति द्रोणाचार्य दिखाई पड़ता है। अर्जुन अपना गांडी पर बाण चढ़ावले, अब बाण खींचे मरले श्री गुरु द्रोणाचार्य जाए नमो। अवन से द्रोणाचार्य बाण चढ़ा के मरले की लिखाई लिखी अर्जुन विजया भव। अर्जुन के गांडी वही आग उगले लागल बा। फेर के नजरिया और अर्जुन के यही छल जत मोछिया के पास, अर्जुन के यही छल जत मोछिया के पास, एक बलवान ता के ज्यादा फेर के नजरिया। फेर के नजरिया आर तो लड़ैया महाभारत के देखो, महाभारत के देखो या भैया महाभारत के देखो, हो लड़ैया महाभारत के तो जहां छहर छहर के बहे पुरवैया रे लड़ैया। अर्जुन जब चढ़ा के गांडी पर पान मर ले तो चार अर्जुन के पान के काट के फेंक दे। अर्जुन आज कल है बनिया आज से मैंने तुमको सिखाया है, तू मेरा चला है, होश जुड़िया कर। कल के कुर्बान कल के अर्जुन फेर बनवा काट के फेंक दे। अब कन्हैया चिंता में पड़ल बड़ के अर्जुन का होता तो अर्जुन मारे हो पानामा, ए अर्जुन मारे हो पानामा काटे गुरु तोर न हो चिंता में हरि रहिया पड़बैया। गुरु तो न हो चिंता में भगवान पर गईले। द्रोणाचार्य चलावत पान शान से काटी देत गिराई, देखी अपमान हरि जे बोलले अर्जुन के यान चढ़ाई हो या धीर देखी हरि हो गईले। पहले के पारस तहरा ऊपर पांडव दल के नाज ह पारस आ तारा का हो गई बा, तारा बाण के द्रोणाचार्य बुझत नहीं खल, ए पारस उल्टा कैसे बहे लासमीर हो यदि देखी हरि हो।
भगवान जब ललकर्णी अर्जुन के अर्जुन आउ लाल भइले खिस्त पागल भइले अब पान जब हन हन चलावे लगले तो बुझाइल के पान के कांस में बरसा बरसे लागल ए बाबू कहे के भावा कइल अर्जुन ही समय वही दिन पारत के और अर्जुन मरल मनवा लाल होई वही पारत के अरे बचल घोर महाभारत के तैयार अर्जुन मरत रमनवा लगे रण में सारथ के मचल घोर खरिहान अर्जुन करल रण क्षेत्र में लाश का जब खरिहान बिछा चले क्या पिया ले बा माई का दूध हर हर जोड़ा हा हा लगी हो खिंच तू अब ही चिन्हा लरन नहीं था गरम खून है पारथ के अब ही चिढ़ला रन आई खा गरम खून पारथ के मचल घोर अब ही चिढ़ला रन आई खा गरम खून पारथ के ए मचल घोर भगवान सोचले कि अब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से मरे ए जा छल कर गए छल बना के एगो अश्वत्थामा नाम के हाथी रहे द्रुपुर हमारे राम अनुग्राही की ओर से ₹100 पुरस्कार हार्दिक तांबा आजीवन पद पर एगो अश्वत्थामा नाम के हाथी रहे अभी वगैरह जाके मस्तक को तो मार के बध कर दले आ कहले कि द्रोणाचार्य के लाके कहिया लोग क्या अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य के लड़का के नाम रहे अश्वत्थामा जब अपना पुत्र के पद सुनी है तो धनुष बाण रख दी है और धनुष बाण जब रखी है तबे उनका पद होई न तो जब हथियार धरी है तो कोई बाल बांका ना कर सकेला यही कहले कि अश्वत्थामा मारा गया हल्ला मचावे लगले भीम का अश्वत्थामा मारा गया अब चिंता में पड़ बने द्रोणाचार्य करे मेरा बेटा मारा गया तब पांडव पक्ष से पूछे तारी लेकिन लोग सब कोई सोचना बताए लेकिन धर्मराज बोली तब धर्मराज सब पूछे धर्मराज तू बताओ अश्वत्थामा मारा गया अश्वत्थामा गजा कहले तले भगवान कृष्ण के फूंक देले अब जान गेले कि बेटा हमर मारल गेले छल से वे धनुष मान भई देले आ तबले पांडव के सेनापति जाके उनकर मुड़िए काट देलस बोलिए कृष्ण भगवान की तने सीरियली नंबर से कहानी ज्यादा खाली बका बका करके आगे बिना मतलब के चला जा हवा हवा कर कर अब आए भैया अब तो समय हमारा समाप्त हो गया।